दोस्तों देखिए, अब हम आपको ले आए हैं अब शाम के समय प्रेम मंदिर में, क्योंकि इस समय इसको लाइटिंग जो इसकी हो जाती है वो शाम के समय ही होती है, और इसको लाइटिंग में देखने का मज़ा है जो इसकी जो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा वो इसका जो मेन अट्रैक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ शाम को लाइट जलने के बाद ही होता है। देखिए आज भी काफ़ी रश है। सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, मन मंदिर में सजे बिहारी मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी, बंसी बजैया रास रचैया तारनहार मेरे तुम ही के वैया, तुमसे बड़ा कहा कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। दोस्तों देखो, ये अभी चंद्र महल यहाँ बनाया हुआ है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, पर अभी ये निर्माणाधीन है, इसका निर्माण पूरे तरीके से हुआ नहीं है। ये हमारे सर पता नहीं क्या चप चप के देखने लग रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देव की नंदन तुमको वंदन रखते सबकी राज, सबके स्वामी अंतर्यामी पूरन कीजे काज। दोस्तों ये प्रेम मंदिर की कैंटीन है जिसमें खाने पीने का जो सामान है वो मिलता है। मैं यहाँ पर वैसे 3-4 बार आ चुका हूँ, लेकिन आज जो है वो भीड़ कुछ ज़्यादा ही है। आपको इस कैंटीन को मैं अंदर से दिखाता हूँ। यहाँ पे कुछ नए परिवर्तन हुए हैं, जैसे कि आप देखिए सामने जो है वो रथ अब लगाया गया है, और यहाँ से भी आप देखिए जो प्रेम मंदिर है वो कितना सुंदर दिखाई देता है। ये देखिए ये कैंटन है। कृष्णा कृष्णा गोवर्धन गिरधारी।
दोस्तों देखिए, अभी आपको जो प्रेम मंदिर था वो दिखाया कि देखिए शाम के समय कितनी ज़्यादा भीड़ भी यहाँ मौजूद है और कितना अच्छा जो प्रेम मंदिर है, जो पीछे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है और रश तो कुछ इसका कह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा आ रखा है। तो देखो ठंड बढ़ती जा रही है और अभी हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन छटीकरा वाली वैष्णो देवी का मंदिर रहेगा, तो वहाँ पर पहुँच के आपको माता वैष्णो देवी के दर्शन कराते हैं और उसके बाद फिर सीधा हम अपने भरतपुर निकल जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर।